दोस्तों नमस्कार। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा बैक जाता हूं। यहां से आप सेटिंग बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं एक एक ऑप्शंस को आपको एक बार बताता हूं। सबसे पहले है बफेलो मिनिमम फैट कैटल रेंज। यहां पे आपको जो बफेलो की मिनिमम फैट आती है वो डालनी है। इसके डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप कलेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको ऐप को ये दूध गाय का है कि बफेलो का है बताना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक जब आप फैट डालेंगे तो ऐप ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये जो दूध आप रिसीव कर रहे हैं वो गाय का है या भैंस का है। सेकेंड ऑप्शन है ब्लूटूथ प्रिंटर नेम। यहाँ पे आप अपने ब्लूटूथ प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और जब आप कलेक्शन करेंगे तो सेव करने पे उसकी स्लिप प्रिंटर पे निकल जाएगी। अभी जो हमारा कंपेटेबल प्रिंटर है वो MSTP 5801 है। ये आपको कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो आप हमसे एक मेल डाल दीजिए तो हम आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। दूसरा है रेट, 0 फैट 1 फैट SNF और 2 फैट CLR। अगर आपको फैट वाइज रेट लगाने हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो 0 टाइप करना है, फैट SNF रेट लगाने हैं तो 1 टाइप करना है, और फैट CLR पे आपको कलेक्शन करना है तो 2 टाइप करना है। इसके बाद है SNF फॉर्मूला। SNF फॉर्मूला आप सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक डिफाइन कर सकते हैं, जैसे CLR/4 या बहुत से लोग CLR × 0.25 भी करते हैं। यहाँ पे आपको कितना जोड़ना है, आपने कहा कि मुझे 0.29 जोड़ना है, बहुत से लोग 0.65 भी जोड़ते हैं, जो आपके यहाँ स्टैंडर्ड हो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद फैट का दूना, सभी जगह फैट का दूना ही होता है तो यहाँ 0.2 डालिए। इस तरह से आपका SNF का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप एक देख रहे हैं इन कलेक्शन, 0 फॉर फैट 1 फॉर फैट SNF 2 फॉर फैट CLR। आपको जो कलेक्शन करना है खाली फैट बेस कलेक्शन करना है तो 0 डालिए। आपको अगर फैट और SNF एंटर करना है और CLR ऑटोमेटिक बनाना है तो यहाँ 1 टाइप कीजिए। आपको कलेक्शन फैट और CLR पे करना है तो यहाँ पे आप 2 सेलेक्ट कीजिए, उसमें आप फैट और CLR की एंट्री करेंगे कलेक्शन के टाइम पे और SNF ऑटोमेटिक बनेगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है सेंडर ID है, सेंडर पासवर्ड है। आप अगर हमसे बल्क SMS लेते हैं तो जैसे ही आप कलेक्शन को सेव करेंगे एंट्री, एक बल्क SMS ट्रांजेक्शनल SMS आपके मिल्कमैन के मोबाइल पर चला जाएगा। उसकी सेंडर ID यहाँ डालनी है, सेंडर पासवर्ड यहाँ डालना है और सेंडर नेम आपको यहाँ पे डालना है और ये डाल के आपको सेव कर देना है। नमस्कार।